सिंधुदुर्ग मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि पुतला क्षतिग्रस्त के लिए सरकार दोषी है। जिस मूर्तिकार को ये काम दिया गया था उसे कुछ अनुभव नहीं था। पूरे फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी की गई थी क्या, ये सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। सांस्कृतिक संचालन जो होता है वो ये सब इशू को एक सर्टिफाइड करता है, वो किया गया नहीं। चुनाव को मद्देनजर रखकर हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के सही हम ही लोग हैं ये दिखाने की कोशिश और वोट का राजनीति करने का काम बीजेपी ने किया था। 8 महीने के अंदर वो भव्य प्रतिमा वहाँ पे गिरने का कारण ही जो है इनकी कमीशन खोरी। जो व्यक्ति से, जो आपटे नाम के व्यक्ति से जिसको अनुभव नहीं, ऐसे व्यक्ति के हाथ से जो मूर्ति बनाई गई वो संघ से संबंधित आदमी है जिसको अनुभव नहीं था। जब वो मूर्ति अब गिरी है तो उसमें से कागज और कपड़ा वो शिवाजी महाराज के मुंडी के अंदर से निकली, तो क्या ये अपमान करने का? जब पेशवाई व्यवस्था थी महाराष्ट्र में तो उस समय भी शिवाजी महाराज का अपमान किया गया कि यह पेशवाई के विचार की सरकार है जो आज भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रही है। इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये भावनाओं का है, ये भावनाओं का इशू है, ये राजनीति का इशू नहीं है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि हम लोग राजनीति करने जा रहे, तो तुम क्या कमीशन खोरी करने के गए थे? तुम्हें सत्ता में जो असंवैधानिक सरकार बिठाई वो कमीशन खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए आपको बनाया है? उसका जवाब देना पड़ेगा। ये जनभावना का आदर, अगर सत्ता में बैठे हो आप लोग तो आपको जनभावना का आदर करना पड़ेगा।